तो इस टॉपिक के अंदर हमारी कंटिन्यूएशन है प्रीवियस टॉपिक से. हमने वहाँ पे डोर डिज़ाइनिंग सीखी थी. इस टॉपिक के अंदर हम विंडोज़ डिज़ाइनिंग देखेंगे. और बेसिक चीज़ जो आपने याद रखनी है दैट इज़ क्वाइट सिंपल, कि आप सारी वही कमांड जो आप कैड 2D में इस्तेमाल करते हैं आप कैड 3D में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जिस तरह की आप चीज़ें क्रिएट करना चाहें, स्ट्रक्चर बना सकते हैं. सिंपल आपने इसके अंदर एक्सट्रूड की एक कमांड अप्लाई करते रहते हैं और उसके व्यूज़ आप बदलते रहते हैं. कभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल रियलिस्टिक व्यू में है तो कभी आप वायर फ्रेम में हैं, टॉप में हैं, लेफ्ट में हैं. इन व्यूज़ के साथ ऑर्बिट कमांड, टेक्सचर अप्लाई करते रहें. सो कैड 2D जितनी आपकी इफेक्टिव, आप इस पर ऑलरेडी काम कर चुके हैं तो उतना ही कैड 3D आपका इफेक्टिव होगा. सो बढ़ते हैं कैड 3D की तरफ ताकि हम विंडोज़ डिज़ाइनिंग देखें कि किस तरह हम कैड 3D में करते हैं. सो ये हमारे पास यहाँ पर अभी हमने डोर डिज़ाइनिंग देखा है. सो क्विकली इस टॉपिक के अंदर हम बड़े क्विक वे में यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर बाद यहाँ पे प्लेसमेंट भी देखेंगे. इसी को हम एक्सट्रूड करके और डोर को भी प्लेस करेंगे बाद में. सो फॉर द टाइम बीइंग अगेन हमने जिस तरह विंडो डिज़ाइन करनी है तो हम वायर फ्रेम और टॉप व्यू के अंदर जाके प्रेफरेबली वर्क करते हैं. सो कोई भी विंडो हम जो है यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं. ये सपोज हमारी ड्राइंग रूम की विंडो है. अगेन सेम मेथड है हमारे पास. हम जो है वो यहाँ से लेयर अगर हम चाहें तो पहले हम एक्सट्रूड की लेयर में काम कर लेते हैं और इसके बाद हम विंडो की लेयर में विंडो प्लेस कर देंगे. सेम हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाते हैं और इसको यहाँ पे कॉपी विद बेस पॉइंट करके हम यहाँ पे साइड में कहीं प्लेस कर देते हैं और इसको यहाँ से हम विल प्लेस इन विंडो 3D. क्योंकि हम विंडोज़ पे काम कर रहे हैं सो हम इसको विंडो में रख लेते हैं. तो अब हमारे पास ये विंडो है और ये उसका स्ट्रक्चर है. यहाँ पे सिल लेवल जिस तरह हमने पहले भी दिया है इसको बाद में हम एक्सट्रूड करके देख लेंगे. ये हमारे पास विंडो है. सो इस विंडो को यहाँ से हम मूव कर लेते हैं, साइड में लेके आते हैं ताकि हमारे लिए हमारी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी आसानी से हो जाए. तो ये हमारे पास हमारी विंडो है. यहाँ पे सबसे पहले सेम EXT एक्सट्रूड, यहाँ से भी एक्सट्रूड पिक कर सकते हैं होम में और EXT भी हम लगा सकते हैं. सो एंटर और 6 feet सपोज हम नॉर्मली, वैसे तो आजकल हम विंडोज़ की मल्टीपल टाइप्स मौजूद हैं, पूरी पूरी हमारी वॉल्स भी विंडोज़ के अंदर आ जाती हैं, लेकिन नॉर्मली जब हम बात करें तो 3 cell level से लेके हम इसको 6 feet की जो है वो हमने यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया. अगेन डिज़ाइनिंग कुछ भी करना है इसके अंदर तो हम आएंगे इसके फ्रंटल व्यू के साइड में ताकि हमें आसानी से नज़र आए. सो आप फ्रंट में आए तो ये हमारे पास जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है विंडो का. अब अगर हम चाहें तो इसके अंदर हम किसी तरह की रेक्टेंगल्स खुद से बना सकते हैं. होप मैं ये चीज़ें आपकी तरफ छोड़ रहा हूँ कि आप अगर चाहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक रेक्टेंगल और यहाँ से 2 rectangles. इन रेक्टेंगल को चाहें तो प्रेस पुल करके आप बाहर की तरफ निकाल सकते हैं. अब हम रियलिस्टिक व्यू पहले देख लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह ORB की कमांड हम लगा के ऑर्बिट के अंदर इसको ज़रा मूव करके नज़र भी आ जाए ताकि. सो ये हमारे पास एक सिंपल सा जो डिज़ाइन है जिसमें विंडो अभी डिज़ाइन कर रहे हैं, ये जैसे सामने नज़र आ रही है. अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं मटेरियल्स के, क्योंकि अभी तो ये सिंपल हमने इसे एक्सट्रूड किया हुआ है और कोई भी कलर जो एक्सट्रूड का कलर है उसने वही पिक किया हुआ है. बट अब हम इसके ऊपर वी कैन अप्लाई सर्टेन मटीरियल्स और मटीरियल अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इसके आपको कलर चेंजिंग. सो मटेरियल के लिए जब भी हमें अप्लाई करना होगा MAT आप लिखें तो खुद ब खुद आप देखें मटेरियल से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं, मटेरियल्स हैं आपके, मटेरियल मैप है, मटेरियल असाइन है. तो फिलहाल हम यहां से डायरेक्ट मटेरियल्स पे आएंगे. जैसे हम मटेरियल्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने जो है आप नोट करें जैसे मटीरियल की जो लाइब्रेरी है वो ओपन है. कुछ हमारे पास यहाँ पर कलर्स जो ऑलरेडी मटीरियल मौजूद हैं बाई डिफ़ॉल्ट जो कि हम इस्तेमाल करते भी आए हैं, कर भी सकते हैं. ऑल वी नीड टू डू इज़ हमने सेलेक्ट करना है और सिंपली जो है असाइन टू सिलेक्शन करेंगे. तो ये आप नोट करें मटेरियल इस पर अप्लाई हो गया है. और अब अगर हम कोई और मटेरियल अप्लाई करना चाहें जिस तरह जो हमारे पास खुद से मौजूद हो, हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हो, हमने खुद से कहीं से डाउनलोड किया हुआ है, किसी साइट से लिया हुआ है, किसी आर्किटेक्ट से लिया, कहीं से भी XYZ हमारा सोर्स है, अगर वो मौजूद हो तो उसके लिए हमने ये हमारे पास डॉक्यूमेंट मटीरियल के जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इसमें किसी भी ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम डुप्लीकेट, सबसे पहले हम इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम हम विंडोज़ रख देते हैं क्योंकि हम विंडो की डिज़ाइनिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. तो जैसे ही हमने इसका नाम विंडोज़ रख लिया है अब इसी पे हम राइट क्लिक करके और एडिट में आ जाते हैं. हमने क्या किया, सिंपली इसका राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कॉपी प्रोड्यूस की, उसका नाम हमने चेंज करके जो भी हम नाम जिस पर हम वर्क कर रहे हैं एंड देन विल क्लिक ऑन एडिट. जैसे ही हम एडिट पर क्लिक करते हैं सो ए न्यू डायलॉग बॉक्स जो है ये ओपन हो चुका है जिसमें आप नोट करें अपीयरेंस और इन्फॉर्मेशन.
सो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हो सकता है ऑलरेडी अगर आपने कोई इमेज अप्लाई किया है वो मौजूद, और हो सकता है यहाँ कुछ भी मौजूद ना हो. सो इट डिपेंड्स, अगर आपने इसको चेंज करना है सो ऑल वी नीड टू डू इज यहाँ पे डबल क्लिक कर दें. जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने जो है, अगर ये ऑलरेडी कोई मटेरियल मौजूद है तो वो सामने नजर आएगा, और अगर वो मौजूद नहीं है तो वो हमें डायरेक्टली सोर्स में लेके जाएगा. तो इसके नीचे अगर आप नोट करें तो ये इसका नाम आ रहा है. तो जैसे ही हम नाम पे, या आपने अगर ऑलरेडी आपने कोई मटेरियल अप्लाई नहीं किया तो आप यहीं पे क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद वो कहेगा आपने कौन सा मटेरियल अप्लाई करना है, वो उस विंडो में आपको ले जाएगा. और अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और आप चेंज करना चाह रहे हैं तो ये जहाँ पे उसका नाम आ रहा है, दिस वन, जहाँ पे अभी कर्सर मूव कर रहा है, OS17099 समथिंग, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं. जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो है मेरी मटीरियल लाइब्रेरी. अच्छा, ये आपने नोट करना है कि ये CAD की मटीरियल लाइब्रेरी नहीं है. CAD की जो मटीरियल लाइब्रेरी है वो ये वाली है जो नज़र आ रही है. ये हमारी, मैंने अपने तरफ से जो है वो कुछ सेव करके जो डिफरेंट डिज़ाइंस में वर्क किया हुआ है, ये डिफरेंट डिज़ाइन में वर्क करके किसी भी ड्राइव के अंदर रख के हम यहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं. सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, अब आप जो ऑप्शन अप्लाई करना चाहें, यही वाला जो नज़र आ रहा है, या सपोज ये आप अगर दोबारा आप अप्लाई करना चाह रहे हैं सो ओपन करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने जो है वो डिज़ाइन नज़र आ रहा है. अब यहाँ पे हमने एक्स और वाई की सेटिंग्स जो है वो मुकम्मल करनी है, और सेटिंग्स हम करेंगे स्केल से कंप्लीट. अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल, मैं स्केल को बढ़ाता जाता हूँ. अब अगर हम इसको इनिशियली अप्लाई करके सपोज इसी पे अप्लाई कर देते हैं, हम फिलहाल कोई चेंजेस नहीं करते और इसको कर देते हैं यहाँ पे हम क्रॉस. अब हम अपने जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमने लाइब्रेरी नाम बनाई है विंडो, और यहाँ पे हम असाइन टू सिलेक्शन कर देते हैं. अब हमने साइन टू सिलेक्शन तो किया है, लेकिन आप नोट करें अगर तो यहाँ पे मल्टीपल डिज़ाइंस बन चुके हैं, क्योंकि हमने स्केलिंग के ऊपर कोई वर्क नहीं किया था. तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पे बहुत सारी जो है वो विंडोज़ उस तरह की प्लेस हो चुकी हैं. तो इस लिहाज से स्केल की कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको इस्तेमाल हम करते रहेंगे. सो हम दोबारा एडिट में आ जाते हैं. एडिट में आके हम इस पर क्लिक करते हैं. अब हम इसकी स्केल चेंज कर लेते हैं, वेरिएट करना स्टार्ट करते हैं. सपोज हम इसका 10 feet, जैसे ही हम इसका विड्थ चेंज करेंगे हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. यहाँ पे 10 किया तो ये 10 हो गई है. और अब हम नोट करते हैं वापस जाके, अगर आप नोट करें तो अब ऐसे लग रहा है जैसे उसमें पहले वाले में बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ थी, इसमें अगर आप नोट करें तो एक भी कट गई है, यानी एक विंडो जो है वो भी पूरी नज़र नहीं आ रही. सो दोबारा हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और स्केल को 5 तक लेके आ जाते हैं, सपोज 5 feet करके, एंड लेट्स सी अब क्या होता है. अब हम क्लिक करते हैं, आप नोट करें तो अब ऑलमोस्ट एक विंडो जो है अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है. सो हम लेट्स मेक इट 5 feet एंड से 6 inches, 5.5 feet करके देख लेते हैं. सो इसको क्लिक करते हैं तो अब आप नोट करें तो ऑलमोस्ट एक अप्रोप्रिएट गैस जो है वो विंडो. अभी आप मज़ीद इसके अंदर अगर आप काम करना चाह रहे हैं, आप समझते हैं कि अभी इसके अंदर मज़ीद, तो स्केल की बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है. सिंपली इमेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस टैब के अंदर आप ब्राइटनेस, इट सीम्स ओके, आप इसको चेंज करके भी देखिएगा, आप पोजीशन के ऊपर भी वर्क करें, बट मेनली स्केल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्केल डिसाइड करेगा कि हमने जो सैंपल की विंडो साइज लेके आ रहे हैं, अगर तो स्केल हम कम रख रहे हैं, बहुत छोटा है, तो डेफिनेटली वो उस स्पेस के अंदर, गिवन स्पेस में, बहुत ज़्यादा विंडोज डिज़ाइन कर देगा. सो ये 5.6, आप इसको 5.7 करके देखें, बट इट सीम्स ओके. सो इस तरह जब भी हम कभी वर्क करेंगे तो इस तरह हम अपना मटेरियल जो है वो विंडोज़ पे अप्लाई कर सकते हैं. मजीद जो है आने वाले टॉपिक्स में हम जाके इसकी प्लेसमेंट भी देखेंगे. सो इस टॉपिक के अंदर हमने एक क्विकली जो है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डोर डिज़ाइनिंग की है तो विंडो डिज़ाइनिंग भी बिल्कुल ही सेम थी. हमने विंडो डिज़ाइनिंग की है, उसमें मटीरियल अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि किस तरह हम विजुलाइज के अंदर जाके उसकी एक्स और वाई एक्सिस जो एलिमेंट है उसको कम कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, उनके डिस्टेंसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं.